या फिर छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं या ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, मैं आकाश सुनी रायपुर रीजन का रीजनल मैनेजर, आप सबका हार्दिक इस मीटिंग के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। मैं आप लोग पूरे अप्रैल में 7G के बारे में आपने सुना है, 7G के बारे में आपने अपने मैनेजर के द्वारा सुना है, मेंटर के द्वारा सुना है या कई सारे मीटिंग के द्वारा सुना है। कंपनी तमाम कोशिश कर रही है कि अपने एक्टिव डायरेक्ट सेलर, मतलब एक्टिव मतलब क्या, जीएसटी डायरेक्ट सेलर का या फिर रिटेलर का ज्यादा से ज्यादा उनका पेआउट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनका कमीशन बढ़े। इस कारण कंपनी ने 7G का लॉन्च किया है और आप बहुत अच्छे तरीके से 7G के ऊपर काम कर रहे हैं, 7G को समझे हैं, 7G को अपने टीम में आपने समझाया है और आप 7G के माध्यम से आप आगे भी बढ़ रहे हैं। ये मीटिंग के माध्यम से हम आपको और अच्छे तरीके से, हमारे मेंटर रविकांत सर आपको ये बताएंगे कि आप और अच्छे तरीके से, आप और सरल तरीके से आप अपना पेआउट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप फास्टैग का अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसे निकाल सकते हैं और जितने लोग भी फास्टैग में एंट्री करेंगे उनका ज्यादा से ज्यादा क्रूज कैसे हो सकता है, वैसे तमाम सक्सेस स्टोरी, ऐसे तमाम सक्सेस पॉइंट आपको आज के मीटिंग के जरिए जानने का मौका मिलेगा। आपको तमाम ऐसे फॉर्मूला मिलेगा जिसके द्वारा आप अपना पेआउट को बढ़ा सकते हैं, आपको तमाम ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके द्वारा आप 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा कमीशन, ज्यादा से ज्यादा पेआउट, ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबके जोरदार तालियों के सामने मैं हमारे मेंटर हमारे रविकांत सर को आप सबके सामने मैं आमंत्रित करता हूँ और आगे की मीटिंग को मैं थैंक यू आकाश सर। नमस्कार, यहाँ पे आए हुए सभी हमारे डायरेक्ट सेलर्स, रिटेलर्स, इटेलर्स, ये सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हुए हो मतलब ये कि आपको, आप जो जिस जिस हेतु से नेटसअप में आए हुए हो, जो करियर आप करना चाहते हो या करियर के प्रति आप सीरियस हो, और इसीलिए मेरी तरफ से मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। देखो, आप बोलेंगे कि सर अभी तो साइकिल 5-6 तारीख को खत्म होगा और आज 30 तारीख है, मतलब सिर्फ 6 दिन बाकी है, आज का भी दिन बाकी है, फिर भी आप ये मीटिंग क्यों कर रहे हो। ये मीटिंग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो महीना है, ये महीने का इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताने के लिए हम लोग आपको ये आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। देखो, अंग्रेजी में एक कहावत है, द टाइमिंग ऑफ एक्शन ऑफन डिटरमाइंस इट्स रेट ऑफ सक्सेस। मतलब आप एक्शन क्या लेते हो, सही टाइमिंग उसका क्या होता है, और सही टाइमिंग पे की हुई एक्शन, सही टाइम पे किया हुआ काम आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है, ये अंग्रेजी कहावत कहती है। और यस, इसीलिए दोस्तों आज हमने ये मीटिंग का आयोजन खास आप लोगों के लिए किया हुआ है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले कई 3-4 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही 28 दिसंबर 2021 को हमारे जो लॉ आए, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो लॉ आए, तो ये लॉ आने के बाद में हुआ क्या है, ये लॉ आने के बाद में हुआ ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस बदला हुआ है। पहले हम लोग क्या बोलते थे, पहले हम लोग बोलते थे भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, अभी ये शब्द नहीं रहे हुए। इटसेल्फ लॉ भी ये कहता है, गवर्नमेंट भी ये कहता है कि ये अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार की पूरी गाइडलाइंस, उस प्रकार के पूरे रूल्स लॉ हमें यहाँ पे दिए हुए गवर्नमेंट ने। और मुझे बोलने में बहुत फक्र होता है कि नेटसअप एक ऐसी पहली कंपनी है कि जिसने इस प्रकार इस सभी लॉ को समझा, और हमारे अराउंड अगर हम देखते हो तो हमारे पूरे के पूरे चेंजेस उस हिसाब से किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेटसअप को ज्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने 2016 के बाद में जो गाइडलाइंस थी वो गाइडलाइंस हमारे लिए पूरी की पूरी तैयार थी। छोटे मोटे, बहुत कुछ ज्यादा नहीं, छोटे मोटे चेंजेस करने पड़े, वो भी हमने 2-4 दिन में किए हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि नेटसअप इस प्रकार से अभी पूरी की पूरी तैयार है, यह नया युग के लिए, एक न्यू एरा के लिए है ना। और ये नया युग में किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसका एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको कंपनी ने यहाँ पे दिया। आज मैं कुछ प्रोजेक्ट आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपको बेसिकली क्यों करने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे अभी है, और इसलिए ये प्रोजेक्ट के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो न्यू डायरेक्ट सेलिंग है, ये नया जो डायरेक्ट सेलिंग का जो युग आया है, उसमें एक्चुअली क्या है, क्या हुआ हो रहा है, किस प्रकार से काम होना चाहिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पहले, देखो पहले क्या लोग बोलते थे, पहले लोग बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन आप देखिए कि नेटसअप पिछले कई सालों से ये बोल रहा है कि वी आर रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, इतिहास की पूरी परिभाषा बदल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। और ये कंपनी ने किया क्या, 100% किया। और आज हम लोग रीलोड,
देखो पिछले कई सालों से नेटसअप ये कह रही है कि वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग, और उस प्रकार से काम हमारा हो रहा था। मतलब नेटसअप सभी कंपनियां जो है नेटवर्क मार्केटिंग के उससे आज आगे। देखो ये जो लॉ आया, लॉ का नाम क्या है, लॉ का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को डाला गया है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे इसके आगे ये जो पूरा डायरेक्ट सेलिंग है कंज्यूमर के हिसाब से जाने वाला है, और इसीलिए आज अगर आप देखते हो तो नेटसअप ने जो भी चेंजेस किए वो इस हिसाब से किए हुए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले एक बड़ी कंपनी की एक न्यूज आई थी कि वो कंपनी के ऊपर ईडी की कार्यवाही हुई, अराउंड 750 करोड़ का उनका संपत्ति जब्त किया गया, और उनके ऊपर आरोप क्या लगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ही लगे हुए, क्योंकि भाई उनकी जो प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो ज्यादा थी, बराबर है, उनको वो जो कमीशन दे रहे थे लोगों को, नीचे लोगों को, वो बहुत कम कमीशन था। इसके साथ उन्होंने जो पैसा लिया, देखो 7000, उन्होंने सिर्फ 27000 करोड़ का बिजनेस किया, उसमें से सिर्फ 7000 करोड़ बांटे, मतलब यहाँ के लोगों को कमीशन भी कम बांटा गया। ऐसे फेमा का रूल आया, फेमा का उनके ऊपर आरोप हो गया, मतलब ये आरोप का जो मूल था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब गवर्नमेंट अभी इस प्रकार से सभी कंपनी के ऊपर शिकंजा लेने वाली। अभी देखो कि मैं कहता हूं कि नेटसअप कैसा अलग है इसमें, देखो नेटसअप की प्रोडक्ट फिलॉसफी पहले से क्लियर है। नेटसअप क्या कहता है, हम लोग कैसे प्रोडक्ट देते हैं, आप सबको मालूम है कि नेटसअप प्रोडक्ट देता है यूजफुल प्रोडक्ट, नेटसअप प्रोडक्ट देता है नीडफुल प्रोडक्ट, नेटसअप देता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेटसअप के जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी, मतलब उसकी कीमत है जो कीमत भी सही है। देखो कुछ दिन पहले मैंने अराउंड 3-4 जगह पे एक नाचरामोर का ट्रेनिंग लिया था, उसमें मैंने ये कहा था कि भाई हमारी जो नाचरामोर में जो कंटेंट है उसकी जो कीमत है, उसके कंटेंट आप देखेंगे और वो बाहर परचेस करके जाएंगे ना, तो हमारा 1700 से जो 1900 का डब्बा है ना, ये हमारा नाचरामोर का, वही उसकी कीमत बाहर मिनिमम 7-8-10 हजार रुपए तक जा सकती है। इतना डिफरेंस बेसिकली बाकी कंपनी और अपने में। मतलब मुझे ये कहना है कि वैल्यू फॉर मनी या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके तहत हम लोग जा रहे हैं, हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अभी हम लोग देखते हैं कि अभी जो रूल्स आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ये कह रहा है कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने ऑलरेडी लॉ दिए हुए, तो वैसे ही लॉ डायरेक्ट सेलिंग के लिए। मतलब अभी क्या होने वाला है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक कंपनी होती है, उसके बाद में मिडलमैन होते हैं, जैसे कि सीएंडएपेजेंट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर होते हैं, उसके बाद में रिटेलर होते हैं, और उसके बाद में कंज्यूमर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ये जरूरत है क्या, यस हमारे यहाँ पे भी ये जरूरत है और हमने ये किया है। हाँ हमारे यहाँ पे सिर्फ बदलाव क्या करना पड़ा, कंज्यूमर और हमें डायरेक्ट सेलिंग में बदलाव करना पड़ा। तो अभी ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये नया युग का जो डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें हमारे पास भी क्या है, हमारी कंपनी है नेटसअप, उसके भी कौन है, डायरेक्ट सेलर्स है, मतलब जिन्होंने जीएसटी निकाला है ऐसे डायरेक्ट सेलर हमारे पास में है। अभी देखो न्यू ईयरा में ये अप्रैल महीने से हमने आपके लिए और एक चेंज किया, आपके काम की सुविधा के लिए, कि भाई जिनको नेटवर्क बनाना है वो डायरेक्ट सेलर से जिन्होंने जीएसटी निकाला है, लेकिन जो रिटेलर्स है ये रिटेलर्स को हमने एक नाम दिया जिसका नाम है ई टेलर, कि जो विदाउट जीएसटी भी काम कर सकते हैं, मतलब इन्हें आसानी भी हमने वहां पे उनको दे दी। मतलब एक नया एक व्यक्ति यहां पे आया है जिसका नाम है ई टेलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और हमारा कंज्यूमर भी हमने अलग किया है। और ये सभी लोगों को हमने क्या किया है, तो सभी लोगों को हमने अलग अलग काम दिया हुआ है, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग व्यक्तित्व उनको बेसिकली दिया है। मतलब अभी हमारा जो बिजनेस है, अभी का जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटसअप जिस प्रकार से जा रहा है वो सही टू सही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तरफ जाने वाला है। मतलब इसके बाद इससे हमारा कंज्यूमर, हमारा रिटेलर, हमारा ईटेलर, हमारा डायरेक्ट सेलर और कंपनी, ये सभी के सभी प्रोटेक्ट हो गए हैं। इस प्रकार का एक पूरा मॉड्यूल, इस प्रकार का नया युग का डायरेक्ट सेलिंग हमने आपके लिए यहाँ पे दोस्तों दिया है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमारे पास में काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो प्रोजेक्ट है हमारे पास में, जैसे यहाँ पे सर ने कहा 7G, लेकिन ये 7G से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है और वो है हमारा ई टेलर प्रोजेक्ट, जो मैं जिसके बारे में मैं पहले आपसे बात करने वाला हूँ। देखो हमारे यहाँ पे अभी दो लोग है, एक है ई टेलर, मतलब जो रिटेलिंग करना चाहते हैं, जिनके पास में जीएसटी नहीं है या जिनको नहीं निकालना है, नो प्रॉब्लम, वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, और हमारे डायरेक्ट सेलर जिन्होंने जीएसटी निकाला है वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, यस दोस्तों हम लोग रिटेलिंग कर सकते हैं, हमारे नए कंज्यूमर्स को हम लोग अच्छी तरह से प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनको डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन इससे हमारा करियर कैसे होगा, और ये करियर करने के लिए अभी जो 6 दिन बाकी है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो
रिटेलर है, मतलब जो रिटेलिंग करना चाहता है और जो रिटेलर भी है उसके लिए कंपनी ने क्या किया, भाई नो प्रॉब्लम, जीएसटी ने निकाला कोई बात नहीं है, हमने आपके लिए क्या क्या दिया है, तो हमने आपके लिए दिया है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ आपको करना क्या है, जो भी हमारे रिटेलर से उन्होंने क्या किया है, सिर्फ आधार कार्ड डाला, पैन कार्ड डाला, लॉग इन कर दिया, या आप जो जो हमारे डायरेक्टर वो भी कर सकते हैं, और उनको हमने दिया है हमारा सुपर ट्रैक प्रोजेक्ट, हमने उनको दिया है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, हमने उनको दिया है क्लब नेटवर्क, और रिटेलिंग के जो भी बेनिफिट्स है ये बेनिफिट्स हमने यहाँ पे उनको दिया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। अभी देखो कि अगर हमें देखो मिनिमम अभी क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ये करियर की शुरुआत अच्छी तरह से करनी है, नए युग की शुरुआत आपको करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अराउंड 885 लोग है। देखो ये 885 लोगों के लिए, सभी के लिए हमारी कंपनी ने, बिगिनर हो, लाइटनिंग स्टार हो या करोड़पति हो, ये सभी के लिए सुपर ट्रैक प्रोजेक्ट दिया है। मतलब अगर आपके पास में टीम हो या ना हो, आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो, आपके खुद के कंज्यूमर के जरिए आपका सुपर ट्रैक का अचीवमेंट करते जाइए। अब ये सुपर ट्रैक का अचीवमेंट करना है, मतलब क्या करना है, हमें सिर्फ 30,000 का टर्नओवर करना है। देखो जिसका अभी जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले 6 दिनों में, आज का दिन पकड़ के 7 दिन है, आने वाले 6 से 7 दिनों में आप ये सुपर ट्रैक कर सकते हो। अभी सुपर ट्रैक का टारगेट कितना है, सुपर ट्रैक का टारगेट है, क्योंकि सभी लोग पहले लेवल पे ही करेंगे, 30,000 का टर्नओवर आपको करना है। चलो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ, दिसंबर के आसपास आपको लेके जाता हूँ, जनवरी के पहले। देखो पहले क्या था, 30,000 का टर्नओवर हमारा कोई भी डायरेक्ट सेलर करता था, बिगिनर हमारा करता था, या लाइटनिंग स्टार करता था, या स्टार सुपरस्टार, कितना कमीशन मिलता था। पहली बात है कि उसको दोनों लेग में काम करना पड़ता था, है ना, और उसके बाद में बिगिनर लाइटनिंग था तो 3%, मतलब 30,000 के ऊपर 3% 900 मिलता था। अगर वो स्टार सुपरस्टार है तो 4%, मतलब 1200 मिलता था। देखो जनवरी में ये बदलाव क्या हुआ, ये कंज्यूमर प्रोडक्शन हमने क्या किया, हमने पहले हमारे जो रिटेलिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका दिया, हमने उनको दिया रिटेल प्रॉफिट, और वो भी कितना दिया, वो दिया 10% रिटेल प्रॉफिट, मतलब जो 30,000 के टर्नओवर के ऊपर दोनों लेग करने के बाद में 900 से 1200 का जो कमीशन आता था, यहाँ पे सीधा 9 लेग आप सिर्फ आपके कंज्यूमर करो, आपका रिटेल बिजनेस करो, और वो टर्नओवर आएगा उसके ऊपर 10%, मतलब 900 से 1200 से सीधा कमीशन गया आपका 3,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर 10%, है ना। और आप देखो कि ये जो अप्रैल महीना है, ये अप्रैल महीने में हमने और हमारे रिटेलर्स के लिए क्या दिया, तो हमने दिया उसको रिटेल बोनस एक्स्ट्रा। सोचो रिटेल प्रॉफिट 10% है, लेकिन रिटेल बोनस हमने कितना दिया, वो दिया 2% एक्स्ट्रा और 5% एक्स्ट्रा। मतलब क्या हुआ, मतलब इस महीने में अगर आप सुपर ट्रैक करते हो तो आपको कितना चेक आएगा, नो 3000 नहीं है सिर्फ। देखो क्या होगा, अभी कंपनी ने जो स्लैब दिया उसमें अगर आप 30,000 का टर्नओवर करते हो तो पहले 5,000 के ऊपर आपको 10% मिलेगा, मतलब 500 मिलेगा। उसके बाद में जो दूसरा 5,000 है, 5 से 10, इसके ऊपर आपको 12% मिलेगा, मतलब 600 मिलेगा। और जो बाकी बचता है ना 20,000 रुपया, उसके ऊपर आपको सीधा 15% मिलने वाला है, मतलब ये 15%, मतलब 20,000 के ऊपर 15%, 3,000, पहला 500, बाद का 600, ऐसा है 3,000 के बदले में 4,100 रुपए का आपको चेक आएगा, कमीशन आएगा, यही 30,000 के टर्नओवर। इसके साथ साथ 30,000 का टर्नओवर होता है, मतलब आपका सुपर ट्रैक का पहला लेवल भी होता है, और ये पहला लेवल अगर आपका होता है तो आपको 1,000 रुपए का बोनस भी मिल जाता है, मतलब 3,000 प्लस 1,100, 4,100 प्लस 1,000, 5,100 रुपए का इनकम आपको 30,000 के टर्नओवर के ऊपर मिल रहा है। मुझे लगता है कि देखो कि इसका परसेंटेज कितना हुआ, 5,100 रुपए का कमीशन 30,000 के टर्नओवर के ऊपर, मतलब क्लियरली 17% कमीशन, 17% का कमीशन यहाँ पे आपको आज नेटसब दे रही है। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इतना कमीशन देने वाली आज दूसरी कोई भी कंपनी नहीं है। मुझे लगता है कि नेटसब के लिए इसके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए, और आपके समझ में आनी चाहिए कि कौन से भी हालत में ये कमीशन तो मैं लेके रहूंगा, मैं मिनिमम सुपर ट्रैक करूंगा। अभी बात करेंगे सर सुपर ट्रैक करना कैसे, सिंपल बात है, आपको करना क्या है, देखो आपके पास में 10-15 कंज्यूमर की लिस्ट तो रहेगी, 10-15-20 लोगों की, उसमें से एक ही काम करना है, आने वाले 6 दिन में सिर्फ 5 कंज्यूमर करने हैं 10,000 एमआरपी वाले, 10,000 एमआरपी वाले अगर 5 कंज्यूमर आप करते हो तो आपका सुपर ट्रैक हो गया। अभी आप बोलेंगे सर कैसे, देखो 10,000 एमआरपी है, 25% डिस्काउंट कंज्यूमर को मिल जाएगा, मतलब 7,500 उसको भरना है, 7,500 में से जीएसटी जाएगा, अराउंड 18% भी पकड़ता है तो भी 1,200 रुपए जाएगा, मतलब 6,300 रुपए बचता है जो टर्नओवर आपको मिलने वाला है। अभी ये जो 6,300 रुपए है उसके ऊपर आपको क्या है, ऐसे 5 लोग है, मतलब आपका जो टर्नओवर दिखेगा वो 30,000 से 33,000 दिखेगा, मतलब आपका 10% के हिसाब से 3,000 से 3,300 रुपए का आपका कमीशन फिक्स हुआ, मतलब आपका सुपर ट्रैक हुआ।
5,000 का बोनस मिलेगा, जो 2% 5% एक्स्ट्रा है, ये हिसाब से अराउंड 5,100 से 5,500 का आपका चेक यहाँ पे आ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, 5 कंज्यूमर चाहिए, सिर्फ 5 कंज्यूमर चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं आपको एक दूसरा एक यहाँ पे एक आइडिया बताने वाला। देखो अभी हम लोग रिटेलिंग बिजनेस करने वाले, देखो मुझे बताओ कि जो रिटेलिंग बिजनेस करता है ना, आपके आसपास में कोई रिटेलर है? अभी ये रिटेलर क्या करता है, उसकी एक दुकान होती है ना, अपनी दुकान की जरूरत नहीं अपनी को, उसकी दुकान होती है और दुकान में क्या करता है, वो पूरा माल भर के रखता है, जैसे ही कस्टमर आते हैं उसको इमीडिएटली माल लेता है और जैसे माल खत्म होता है वैसे वो इमीडिएटली भरते रहता है, अपडेट करता है पूरा का पूरा माल। इस प्रकार से वो काम करता है कि नहीं करता है, और रेगुलर सर्विस वो अपने कस्टमर से देता है। अभी हमें यही काम करना है, सर्विस देना है, इमीडिएटली माल देना है, अभी इमीडिएटली हमारे कंज्यूमर को माल देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक हमारे पास में थोड़ा सा रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं आइडिया देता हूं कि इस आइडिया से केवल आपने डिसीजन लिया ना इमीडिएटली, तो इमीडिएटली आपका सुपर ट्रैक होने वाला है। क्या करना है उसके लिए, कुछ नहीं करना है, आपके पास माल लगने वाला है, लोगों को माल देना है, हर बार स्टॉक पंप में लेने की जरूरत नहीं है। आप 50,000 एमआरपी का माल परचेस कर सकते हो, क्या करो 50,000 एमआरपी का माल आपको परचेस कैसे करना पड़ेगा, आप ई टेलर हो या आप डायरेक्ट जो भी हो, आपको आपके नीचे कंज्यूमर बनाने पड़ेंगे। शायद आप आपके घर के कंज्यूमर है उनके नाम पे भी ये परचेस कर सकते हो और आपके पास में एक स्टॉक रख सकते हो 50,000 एमआरपी का, जो आपको 25% डिस्काउंट से मिलने वाला है, मतलब 37,500 में आपको ये मिलने वाला, और उसमें से जीएसटी वगैरह कट करके आपको टर्नओवर कितना मिलेगा, 32,000 का तो टर्नओवर मिलेगा, मतलब क्या हुआ आपको अच्छा 17% जो मैंने बोला वो हिसाब से आपका चेक भी आएगा, आपके पास माल भी रहेगा, आप लोगों को अच्छी तरह से सर्विस भी दे सकते हो और यहाँ पे आपका सुपर ट्रक हो गया। मतलब ये दोनों तरीके से आप सुपर ट्रैक कर सकते हो आपके हिसाब से, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो 5 कंज्यूमर करो या खुद 50,000 एमआरपी का परचेस कंज्यूमर के अपने नाम पे करो। अभी देखो इससे और एक फायदा क्या होने वाला, इससे और एक फायदा होने वाला है कि जो लोग 50,000 एमआरपी का परचेस करेंगे कंज्यूमर के नाम पे, है ना, तो उनका क्या होगा, मैं यहाँ पे बोलता हूं कि सुपर ट्रैक के बाद में जो फास्ट ट्रैक है ना, अगर आप इस प्रकार से करते हो ना अभी क्या अभी कल के कल, तो शायद आपका फास्ट ट्रैक का दरवाजा भी खुल सकता है। यस दोस्तों, क्योंकि फास्ट ट्रैक के लिए क्या है, रिटेल कितना करना है, तो 7,500 का हमें इनकम करना है, मतलब 75,000 का टर्नओवर करना है। अभी 75,000 में से 30,000 का हुआ, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि जैसे सुपर ट्रैक करने के लिए 5 कंज्यूमर चाहिए, वैसे ही फास्ट ट्रैक अगर आपको करना है तो 12 कंज्यूमर चाहिए, क्योंकि 12 कंज्यूमर 10,000 एमआरपी वाले 6,362,62,32,36 75,000 का टर्नओवर हो गया। लेकिन अगर आप खुद का परचेस जो मैंने बोला आपको जिस तरह से वो करते हैं, तो आपका काम कम रह जाएगा। आने वाले 5-6 दिनों में एक और 7 लोगों को ज्वाइन करके भी अगर आपका परचेसिंग भी होगा वो भी होगा, वो दोनों में गिना जाएगा, तो आपका फास्ट ट्रैक भी हो सकता है। क्योंकि आपको यहाँ पे मालूम है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि फास्ट ट्रैक है ना, ये फास्ट ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट ट्रैक हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे करियर का एक बेसिक पार्ट है, कि जहां से हमारा करियर एकदम बूम हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कैसे कर सकते हैं ये फास्ट ट्रैक, है ना, तो इस प्रकार से हम लोग फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, इस प्रकार से सुपर ट्रैक करते हो। मतलब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें तय करना है कि भाई चलो मैं पहले सुपर ट्रैक करता हूं, और हो सके अगर मेरा परचेज भी होता है या मेरे पास में 30-40 लोगों की लिस्ट है, तो मैं 12 कंज्यूमर करना है। देखो 12 कंज्यूमर करना ये ज्यादा कठिन नहीं है, है ना, तो हम लोग कर सकते हैं, बस अपने को ठान लेना है कि मुझे करना है। क्योंकि देखो फास्ट ट्रैक के फायदे क्या है, फास्ट ट्रैक के बेसिक फायदे ये है कि पहली तो ये चीज है कि फास्ट ट्रैक हमें 3 महीने मेंटेन करना है, 7,500 का इनकम अप्रैल महीने में, 7,500 का इनकम मई महीने में, 7,500 का इनकम जून महीने में, ये 3 महीने हमें मेंटेन करना है। ये मेंटेन करने के बाद में क्या होगा, पहली बात आपको 1 night 2 day का 5-star होटल में यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाला। देखो जिन जिन लोगों ने फास्ट ट्रैक का ट्रेनिंग लिया ना, उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव है, तो ये ट्रेनिंग बहुत बदलाव करता है आपकी जिंदगी में, तो ये आपको ट्रेनिंग मिलेगा। दूसरी बात क्या मिलेगी, जो जो लोग 7,500 फास्ट ट्रैक 3 महीने मेंटेन करेंगे, उनको बाय डिफॉल्ट क्रूज मिलने वाला है, मतलब उनको अलग से क्लब नेटवर्क के टारगेट अचीव करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, तीसरा बेनिफिट यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ कुछ लीडर्स ने, कुछ कुछ लोगों ने, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कि अगले महीने में जो जो लोग फास्ट ट्रैक में एंट्री करने वाले हैं, उनके लिए एक अलग से मीटिंग भी आयोजित कर सकते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग कपल लोगों को बुला सकते हैं, तो उनका उनके दिमाग में भी हम लोग कपल क्लब नेटवर्क डाल सकते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि मैं बोलने वाला हूं कि आपका कपल क्लब नेटवर्क कैसे हो सकता है, जो सुपर ट्रैक हो या जो फास्ट ट्रैक हो, ये हो सकता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जैसे सुपर ट्रैक में आपको जो 2% एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा जो रिटेल बोनस मिल रहा है ना, तो फास्ट ट्रैक करने के साथ साथ वो भी आपको मिल रहा है।
मतलब हम लोग देखते हैं कि जो महीने का 7,500 का इनकम हमने बोला है टारगेट अचीव करने के लिए, ये 7,500 का इनकम नहीं है दोस्तों, 75,000 इनकम में भी आपको क्या होने वाला है, पहले 5,000 के ऊपर 10%, दूसरे 5,000 के ऊपर 12%, और बाकी का जो 65,000 है ना उसके ऊपर आपको 20% मिलने वाला है। मतलब ये जो कमीशन है ये कमीशन 10,800 से 11,000 मिलने वाला है, मतलब 7,500 नहीं, एक्स्ट्रा 3,500 रुपया आपको हर महीने में मिलने वाला है। मतलब टोटल 22,500 का इनकम नहीं होने वाला है आपको, आपका इनकम होने वाला ये 33,000 का, ये आप दिमाग में रखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों हमारे लिए। मतलब ये कि एक तो सुपर ट्रैक या एक तो फास्ट ट्रैक करना ही है। अभी देखो मैं आपको एक आइडिया दूंगा, यहाँ पे आइडिया क्या है, सुपर ट्रैक ये महीने में करते हो तो भी आपका आगे जाके क्लब नेटसअप हो सकता है। जो लोग फास्ट ट्रैक में एंट्री करने वाले हैं रिटेलिंग के जरिए, उनका भी कपल क्लब नेटसअप हो सकता है। कैसे, अभी देखिए, देखो और एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, जो मैंने आपको बोला 5 कंज्यूमर करो 12 कंज्यूमर करो, अभी देखो क्या होने वाला है। ये जो आपके 5 कंज्यूमर है, उदाहरण के लिए मैं आपको बोलता हूँ, या 12 कंज्यूमर है, भाई हमने उनके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि वो भी आपको मदद करने वाले हैं। अभी कैसे मदद करेंगे, देखो सबसे बड़ी बात हमने क्या किया है, जो भी कंज्यूमर ये महीने में परचेस करेगा, जिसका भी नाम आएगा, उसको उसके ऊपर 10% वाउचर मिलने वाला है। सही है, अभी 10% वाउचर जो है वो उसको वापस, मतलब उसको कैश करना है तो वो क्या करेगा, अगले महीने में परचेस करेगा। हम लोग उसको बताएंगे कि भाई कैसे परचेस करना है, क्या करना है, मतलब आपका रिपीट सेल। देखो ये पहले शायद पहले कम था, लेकिन अभी क्या होने वाला है, आपका रिपीट सेल होने वाला है, आपके जो कंज्यूमर है कंज्यूमर वापस खरीदी करने वाले है। दूसरी बात, ये तो हो गया एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमने हमारे कंज्यूमर को बोला है, कंपनी ने उनको एक और एक प्रोग्राम दिया है एनपीसी नेट सब प्रिविलेज कंज्यूमर करके, कि भाई अगर आप बाकी आपके जो पहचान वाले लोग हैं उनको भी हमें कंज्यूमर करके देते हो तो वो हर कंज्यूमर के परचेस के ऊपर उसको पॉइंट मिलने वाले है ना, और ये पॉइंट का इस्तेमाल उसको उसके जो एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस कैश करने में होने वाला है। मतलब आप सोचिए क्या होगा, आपके पास 5 कंज्यूमर है, अगले महीने में हम क्या करना है, उनका एक मीटिंग लेना है, बाद में उनका उनको वाउचर मिला होगा, वो वाउचर कैसे कैश करना है। और अगर आप सोचो कि उनको हम लोग बोलते हैं टारगेट दे, आप सिर्फ मुझे 5-5 कंज्यूमर दो, है ना, तो 5-5 कंज्यूमर के ऊपर उसको जो भी खरीदी होगा उसके ऊपर उसको क्या मिलने वाले है, पॉइंट्स मिलने वाले है। आप सोचो कि जो जिसने सुपर ट्रैक किया है 5 कंज्यूमर किए है, वो 5 कंज्यूमर को हम लोग बोलते हैं कि भाई 5-5 कंज्यूमर मुझे दो तो आपके पास में नए 25 कंज्यूमर आएंगे, और ये 25 कंज्यूमर का परचेस एवरेज 2,000 का भी होता है ना दोस्तों, तो भी क्या होगा, तो भी ये होगा कि 50,000 का टर्नओवर, मतलब सुपर ट्रैक का नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक होने वाला है। वैसे ही बात है फास्ट ट्रैक की, फास्ट ट्रैक को मैंने बोला कि 12 आपको कंज्यूमर चाहिए, ये 12 कंज्यूमर को बाद में हम लोग मीटिंग करते हैं ये साइकिल खत्म होने के बाद में, और उनको बोलते कि मुझे 5-5 कंज्यूमर दो तो 60 कंज्यूमर आपके टीम में अगले महीने में आ सकते हैं, और 60 कंज्यूमर के जरिए आपका जो टर्नओवर है ये टर्नओवर 75,000 नहीं तो 2,000 भी एवरेज पकड़ते हैं तो भी अराउंड 1,20,000 का होगा। मतलब आप सोचिए कि आपके लिए खास रिटेलर के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ने दिया है कि नहीं दिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नया युग का रिटेलिंग है, ये नया युग का डायरेक्ट सेलिंग है, और इसमें हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कंपनी ने आपको अच्छा इनकम दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो सुपर ट्रैक है, ये जो फास्ट ट्रैक है, ये मेंटेन करने के लिए आपको एक रास्ता भी दिया है, और जहां से आपका टर्नओवर हर महीना टू महीना बढ़ने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और यही हमें यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे 3 महीने के अंदर में शायद इसी कंज्यूमर नेटवर्क के जरिए आप आपका जो क्लब नेटसअप का कपल का टारगेट है, मतलब सिंगल का तो है, सिंगल का तो आप पूरा कर सकते हो हमारे सुपर ट्रैक वाले, लेकिन हमारे जो फास्ट ट्रैक के लोग हैं ये कपल भी यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब यहाँ पे सुपर ट्रैक होगा, फास्ट ट्रैक होगा, क्लब नेटसअप होगा, और जुलाई महीने में जो एक बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाला है वो अपॉर्चुनिटी का फायदा भी आप ले सकते हो। देखो 4-5-6 को यहाँ पे जयपुर में हमारे कुछ और ओपनिंग भी है, जहां पे कुछ नए प्रोजेक्ट और भी आने वाले हैं, जिसमें एक है नेटसअप रिटेल, इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, 6 तारीख के बाद में आपको भी पता चलेगा कि वहां पे एक नया सिस्टम, एक नया इनकम का मार्ग आपके आपस में आने वाला है, और ये जो नया इनकम का मार्ग है ये भी आपके क्लब नेटसअप में, आपके सुपर ट्रैक में, आपके फास्ट ट्रैक में गिना जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये है कि आपका भविष्य अभी सुनहरा है, लेकिन किसके लिए, ये टाइम इंपॉर्टेंट है, और टाइम पे जो आज एक्शन करेंगे ना आप, ये 6 दिनों में, ये 6 दिन की एक्शन आपको लाइफ लॉन्ग आपको सक्सेस के पथ के ऊपर लेके जाने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी देखो इसके लिए वर्किंग स्टाइल हमारा क्या होना चाहिए, वर्किंग स्टाइल इसके लिए हमारा एक ही होना चाहिए कि आने वाले 6 दिनों में मेरे आपके पास में
जो भी लिस्ट है या लिस्ट के ऊपर काम करना है, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क करना है। वन टू वन लोगों को मिलो, रोज चार पांच लोगों को मिलेगा तो शायद एक दिन में ही आपका सुपर ट्रैक हो सकता है, दो दिन में आपका फास्ट ट्रैक हो सकता है, जैसे मैंने कहा है। तो इंपॉर्टेंट है वन टू वन कीजिए, ग्रुप मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, और बहुत सारी जगह पे हमने कॉमन सेमिनार्स रिटेलर के अलग है, कंज्यूमर के लिए अलग है, ये भी हमने यहाँ पे रखे हुए, तो इसका फायदा बेसिकली आप ले लीजिए। आपके सीनियर के पीछे पड़ी है, चाहे जूम मीटिंग का भी आप सहारा इसके ऊपर से ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अभी काम हमें करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आज टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका क्योंकि हमें काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अचीवमेंट। देखो दोस्तों, अचीवमेंट मतलब क्या होती है, हम लोग एक ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा संपादित कार्य करते हैं कि जहां पे हमें हमारा जो ध्येय है उसके ऊपर हम लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों अचीवमेंट। और एक बात कहूं क्या, आपके जो भी सीनियर्स हैं या सीनियर्स की तरफ देखो, ये सीनियर्स ने क्या किया अभी तक नेटसप में, इन्होंने नेटसप की जो भी प्रोजेक्ट थे ये प्रोजेक्ट के ऊपर अचीवमेंट किया, छोटी 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 जो अचीवमेंट थी ना, ये छोटी 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 अचीवमेंट का फायदा लेके उन्होंने उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट पूरी की। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर आपको आपके लाइफ की अचीवमेंट करनी है ना, तो आपको नेटसप में अगर आप आए हो ना, तो आपकी लाइफ की हर अचीवमेंट होगी, लेकिन इसके लिए आपको नेटसप की जो छोटी 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 अचीवमेंट है ना, ये छोटी छोटी अचीवमेंट आपको अचीव करनी पड़ेगी। और छोटी छोटी अचीवमेंट के लेके आज आपको कुछ दिन के बाद में आपके लाइफ की बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। देखो दोस्तों, आज आपके सामने लोग है, कोई टू व्हीलर लेता है, कोई फोर व्हीलर लेता है, कोई लैपटॉप लेता है ना, कोई खुद को अपडेट करता है, कोई घर लेता है बड़ा बड़ा, कोई गड़ी गड़ी कार लेता है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ कि खुद की अचीवमेंट करते गए, बाद में लोगों की अचीवमेंट करते गए, और उसके ऊपर से उनकी अचीवमेंट हुई। दोस्तों ये तो मैंने कहा रिटेलिंग के लिए, लेकिन जो हमारे डायरेक्ट सेलर जीएसटी होल्डर है, जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि फास्ट ट्रैक उनके लिए है, और फास्ट ट्रैक में वो कैसे आ सकते हैं, एक ही बात है। देखो आज अगर हमें क्रूज विद क्रूज फास्ट ट्रैक करना है, तो बिगिनर लाइटनिंग टर्क के लिए महीने का टारगेट है दोनों साइड से 1-1 लाख, और हमारे स्टार सुपर स्टार का भी टारगेट उतना ही है, 1-1 लाख का टारगेट है। मतलब हमें 1-1 लाख का टारगेट अगर पूरा करना है महीने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे दोनों साइड में 4-4 रिटेलर हमें चाहिए, कि जो 4-4 रिटेलर का हम लोग सुपर ट्रैक करवा के लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका 1-1 लाख का टर्नओवर पूरा आएगा, आपका भी फास्ट ट्रैक हो सकता है। मतलब जो यहाँ पे रिटेलर है वो अपना अपना सुपर ट्रैक करे, अपने अपने फास्ट ट्रैक में एंट्री करे, और जो सीनियर लोग है बराबर, उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने नीचे से सुपर ट्रैक कैसे हो जाए, अपने नीचे से कैसे फास्ट ट्रैक हो जाए, तो उनके जरिए उनका भी यहाँ पे सुपर ट्रैक फास्ट ट्रैक हो सकता है। बाकी जो बेनिफिट से फास्ट ट्रैक के अलग से, क्योंकि जो टर्नओवर के ऊपर से करे उनको अलग बेनिफिट से, और उनको जो बेनिफिट से दोस्तों वो आपको मालूम है कि उनको जो जैसे इन लोगों को दो रिटेलर को बेनिफिट है, रिटेल बोनस वगैरह वगैरह बोनस वगैरह, लेकिन यहाँ पे उनको भी जो एक्स्ट्रा कमीशन है, ठीक है, नहीं है, जनरेशन इनकम है, इसका भी फायदा दोस्तों आप ले सकते हो। तो एक ही बात जाते करूंगा, अचीवमेंट 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 कौन सी भी हालत में। यहां पे बैठे हुए देखो 1000 लोग यहां पे बैठे दोस्तों, और ये 1000 लोगों को मैं एक ही आह्वान करता हूं कि आने वाले 6-7 दिनों में हम एट एनी कॉस्ट मिनिमम सुपर ट्रैक का अचीव करेंगे, फास्ट ट्रैक के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और यहाँ पे क्लब नेट सब जो है, जो क्रूज है, उसके ऊपर हम लोग 100% विद कपल जाएंगे, और यही इच्छा मैं रखता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ, और आज का जो मेरा सेशन है छोटा सा वो यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और ओवर टू आकाश सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। हम अभी तक ये बोलते थे कि हम रीडिफाइनिंग इंडिया डायरेक्ट सेलिंग है, और हमने ये साबित भी करके दिखाया है। जैसे रवि कायन सर ने बोला कि जो जीएसटी अपडेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और जो रिटेलर के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो 10% रिटेल इनकम के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो भी सुपर ट्रैक कर सकते हैं, वो भी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, और वो भी क्रूज का टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू रवि कायन सर, आपने हमारे थॉट प्रोसेस को और ज्यादा क्लियर किया कि हम सुपर ट्रैक के माध्यम से भी क्रूज कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक करते करते भी हम क्रूज कर सकते हैं, और हम अपनी टीम को और ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं ये 7G के माध्यम से। हमारे साथ में हमारे सेकंड स्पीकर, हमारे मेंटर, हमारे सतीश सर भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आप सबके तालियों के बीच, आप सबके डिजिटल तालियों के बीच, मैं हमारे सतीश सर को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच में आए और अपनी बात को वो भी रखे, ताकि हम और अच्छे से हम फास्ट ट्रैक का अचीवमेंट कर सके, हम और अच्छे से हम आगे बढ़ सके, और हम और अच्छे से और ज्यादा हम अपने पे आउट को, कमीशन को हम आगे बढ़ा सके। तो सतीश सर, थैंक यू सो मच आकाश सर जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए अभी रविकांत सर ने एकदम टू द पॉइंट, कट टू कट, सिर्फ आधे घंटे में इतनी सारी बातें हमें बताई है
कि इतने कम समय में इतनी सारी बातें सिर्फ रविकांत सर बता सकते हैं, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा उनके सेशन का रिव्यू लूं, तो एक डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री का एक नया इरा, एक नया हम कह सकते हैं पड़ाव, है ना, एक नया इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है, तो एक नया पड़ाव जो ये आया है इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सर ने यहाँ पे हमें बताए, जैसे कि उन्होंने कहा कि MLM कहते थे हम लोग, नेटवर्क मार्केटिंग कहते थे लोग, जोड़ने का बिजनेस कहते थे कोई लोग, स्कीम कहते थे, वो जमाना चला गया है। अभी गवर्नमेंट, भारत सरकार इस इंडस्ट्री के प्रति सीरियस है और भारत सरकार ने लॉ लाया है, इसका मतलब इस इंडस्ट्री को भारत सरकार आगे लेके जाना चाहती है। दोस्तों मैं एक दो पॉइंट आपको कहूंगा, जैसे कि भारत का पॉपुलेशन, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, जो गांव में भी है और जो शहर में भी है। तो और सबसे अच्छी बात जो रविकांत सर ने भी बताई कि कंपनियां तो बहुत सारी थी, बहुत सारी कंपनी तो उड़ गई है, बंद हो गई है, और जितनी कंपनियां रहेगी उसमें सबसे अच्छी कंपनी, सबसे अच्छी सोच जिस कंपनी की है, जो मैनेजमेंट इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता है, ऐसे कंपनी में हम लोग हैं। और ऐसे कंपनी में हम किसी ना किसी तरह से हमारे इंट्रोड्यूसर के माध्यम से जुड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फीलिंग, एक भावना जो मेरे दिल में ऐसी उमड़ रही थी, वो ये थी कि मैं सबसे अच्छे कंपनी में हूँ, मैं सबसे अच्छे मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो जिस भी इंट्रोड्यूसर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ उसको, उसके लिए दिल से ताली तो बजनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आपने इंट्रोड्यूसर के लिए, जिसकी वजह से आप नेटसर्फ हैं, उनके लिए दो ताली जरूर बजाइए। यस, तो वी आर एट द राइट प्लेस, हम सही जगह पे है, हमें सही प्लेटफॉर्म मिला है, है ना। हमारी जरूरत के नहीं, बेहद जरूरत के प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग एक जबरदस्त बिजनेस, एक जबरदस्त करियर कर सकते हैं। अभी ये लॉ आने से होगा क्या? ये लॉ आने से हमारा जो करियर है ये प्रोफेशनल करियर बन गया है, एक रिस्पेक्टेड, एक लीगल करियर बन गया है, और ये बहुत अच्छी बात हम सबके लिए है। इसका मतलब ये भी है जो रविकांत सर ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में, मतलब 20-22 साल जो इस नेटसर्फ ने काम किया, आप काम कर रहे हो 2-4-5-10 सालों से, तो विपरीत परिस्थिति में हमने काम किया। दोस्तों अभी तो ये परिस्थिति हमारे लिए फेवरेबल हो रही है, अभी तो ये परिस्थिति हमारे फेवर में है, अब हमें और सटीक काम करना है, अब हमें इस नए वर्किंग पैटर्न को समझना है, और उसके अनुसार हमारी टीम का जो प्लानिंग है, उसके अनुसार हमारी जो स्ट्रेटेजी है काम करने की, वो हमें उसके अनुसार बनानी है, और हमारे गोल की तरफ, हमारे करियर में अगले पड़ाव की तरफ हमें जाना है। तो 7G, मतलब एक्चुअली नेटसर्फ ये ऐसी कंपनी है, ये जानती है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, एक्चुअली दो प्रकार के लोग जुड़ते हैं, चलो उसमें भी थोड़ा सा मैं और डिटेल बताना चाहूंगा। दो प्रकार के लोग जुड़ते हैं, तीन प्रकार के लोग हैं। पहला तो कंज्यूमर है, जिसे प्रोडक्ट से मतलब है, भाई आपका प्रोडक्ट जबरदस्त, हमें प्रोडक्ट चाहिए, बात खत्म। आप डिस्काउंट दे रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, है ना, डिस्काउंट हर कोई चाहता है, तो एक कंज्यूमर हो गया। दूसरा जो दूसरे जो व्यक्ति है, दो प्रकार के, जिसमें से पहली व्यक्ति है कि भाई मुझे नेटसर्फ से एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मतलब ऑलरेडी मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, खेती, नौकरी या कोई छोटा मोटा व्यवसाय, और उसके साथ मुझे 15-20 हज़ार रुपये चाहिए। यस, उसके लिए भी नेटसर्फ है। और उसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं जिनके पास आज क्या है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके इरादे मजबूत होते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं, और वो बड़े सपनों के साथ जीते हैं। रात को देखने वाले सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में एक जज्बा, एक जुनून लेके जो लोग जीते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए नेटसर्फ है ना, सबके लिए नेटसर्फ है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि भाई मैं नेटसर्फ में किस लिए आया हूँ, क्या मैं मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए आया हूँ? यस, आपकी जरूरतें पूरी होगी। क्या आपके छोटे छोटे सपने हैं? 100% आपके छोटे छोटे सपने पूरे हो गए और आप आगे बढ़ोगे। यस, रविकांत सर ने भी वही मैसेज दिया था कि छोटे छोटे अचीवमेंट करते हुए आप आगे बढ़ोगे, तो आपके छोटे छोटे सपने पूरे होंगे और आप बड़े सपनों की तरफ जाओगे। इस इंडस्ट्री को बहुत लोग अच्छे से जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में करियर हो सकता है। करियर, करियर मतलब क्या? करियर मतलब इस इंडस्ट्री के चोटी की तरफ आप जा सकते हैं। यस, 100% आप इस इंडस्ट्री में आगे जा सकते हो। आप सबसे अच्छे कंपनी में हो, सबसे अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप अपनी टीम खड़ी करोगे और आप आगे जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। या भरोसा देने की जरूरत क्या है? 22 सालों में हमारे पास इतने सारे प्रमाण है कि लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी बदल चुके हैं
और लोग बहुत अच्छी तरह से नेटसप में आगे बढ़े हैं और नेटसप में संतुष्ट है। तो यहाँ पर मेरी तरफ से मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा जो मैं दूंगा 4P के माध्यम से, 4P है ना। मैं पी को कनेक्टेड 4 पॉइंट बोलूंगा, जिसमें से पहला पॉइंट है कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल बनना है, नेटसर्फ में सफल बनना है, तो आपको पहला पी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो प्लीजेंट होनी चाहिए, है ना। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखते हो ना तो आपको ऐसा, अरे यार इनको मैं देखता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है, अरे इनकी बातें मैं जब सुनता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ बातें करने में मजा आता है। मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा, उनकी बातें, क्या उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसको बोलते हैं प्लीजेंट पर्सनैलिटी, है ना। तो आपको आकर्षक बनना पड़ेगा। जी हाँ, भले आप एग्रीकल्चर ग्राउंड है, भले आप छोटे गांव से हो, शहर से हो, आपकी परिस्थिति क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके चेहरे पे एक जबरदस्त उत्साह है, अगर आपके चेहरे पे एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे लोग लोगों को अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी टीम बढ़नी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छा लीडर बनना है, तो पहला भी आपको जरूर याद रखना है कि प्लीजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपको देख के लोगों को अच्छा लगना चाहिए और आपको एक आकर्षक पर्सनैलिटी बनेंगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मेरी बात बिल्कुल मत भूलिएगा, लोग आपको बोलेंगे कि सर आप क्या करते हैं, सर क्या आप जो काम करते हैं मैं कर सकता हूं क्या। जी हाँ, बहुत लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहे हैं। मतलब एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, किस तरह से लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ना, जैसे रेगिस्तान में आपके पास का पानी खत्म हुआ है और आप पानी ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों, नेटसप से बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो पहला पी है आपकी पर्सनैलिटी प्लीजेंट होनी चाहिए। दूसरा पी है आपका एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। जी हाँ, अगर ये बिजनेस लीगल हो गया है, अगर ये बिजनेस को लीगल प्रोटेक्शन मिला है, रिकग्नाइज हो गया है, है ना, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए ना, कंज्यूमर के प्रति अप्रोच हो, या आपको किसी को आपके टीम में, प्रोस्पेक्ट को किसी को आपके टीम में जोड़ना है, या आपको किसी के साथ बिजनेस की बात करनी है, तो एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। वो MLM, नेटवर्किंग जोड़ना, वो लाखों रुपए महीना बताना, कागज पेन लेके कहीं पे भी आपको बिजनेस प्लान बताना, दोस्तों ये बंद हो चुका है। जी हाँ, अगर आपकी टीम में लॉ को लेकर सेशंस हुए हैं, उसमें आपको अच्छी तरह से बताया होगा कि हम लोग उस तरह से अभी काम नहीं कर सकते। मतलब क्लियर कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचना है और जिसको जरूरत है उसी को आपको अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, करियर के बारे में बात करनी है। जैसे जीएसटी कौन निकालेगा, मतलब एक बहुत बड़ा टूल सरकार ने दिया, जीएसटी वही निकालेगा जिसमें नेटसप में बड़ा पैसा कमाना है या आगे जाना है। छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए तो ई-टेलर के लिए जीएसटी की भी जरूरत नहीं है। तो आपका एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, आपके कपड़े भी थोड़े से प्रोफेशनल होने चाहिए, है ना, आपकी बातें भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये दूसरा पी है, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा क्योंकि आप एक लीगल बहुत अच्छे प्रोफेशन में आ चुके हो। तीसरे पी की मैं बात करूंगा कि प्रोडक्टिव वर्क, मतलब आपका जो काम होना चाहिए ना वो ऑलवेज प्रोडक्टिव होना चाहिए। जी हाँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, दिन भर काम करते हैं, पसीना पसीना उनका निकलता है, लेकिन आउटपुट नहीं आता। मतलब सर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या, कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आता। क्यों नहीं आता, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कमी है। क्या मैं बहुत ज्यादा तो बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार ओवर सेलिंग के चक्कर में आउटपुट नहीं आता, बहुत बार कम बोलने से आउटपुट नहीं आता, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आपको आपके सीनियर से या आपके RM से, जो हमारे सीनियर है, जो एक अच्छे ऑब्जर्वर है, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी और वहां पे जो कमी है, खामी है, उसको आपको ढूंढ को उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव वर्क जरूरी है। देखिए, प्रोडक्टिव वर्क का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है हमारा नेटसर्फ करने का, तो हमारा पे आउट आना चाहिए। तो सिर्फ पे आउट ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका अचीवमेंट ये भी उद्देश्य होना चाहिए। जिस शब्द के ऊपर सर ने सेशन उनका क्लोज किया, अचीवमेंट। जी हाँ, अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अचीवर हो तभी आप अपने टीम को मोटिवेट कर सकते हो अचीवमेंट के लिए। अगर आपका ही अचीवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, कमी आपके अंदर है, आपके वर्किंग में है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा और आपको अचीवर बनना पड़ेगा, प्रोडक्टिव वर्क आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि प्रोडक्टिव वर्क करोगे, अचीवर बनोगे, तो ही आप अपने टीम को मोटिवेट कर पाओगे और अपने टीम से भी आप अचीवर निर्माण करोगे। आप खुद अचीवर हो तो आप अचीवर निर्माण कर सकते हो, आप खुद अचीवर हो तो आपके टीम के लिए आप प्रेरणा दे सकते हो, आपकी टीम के लिए आप प्रेरणादायक हो। लेकिन आप खुद अचीवर नहीं हो तो शायद आपकी टीम आपसे प्रेरणा नहीं ले सकती। तो आपको अचीवर बनना बहुत जरूरी है, तीसरा पी मैंने आपको बताया। और चौथा पी है पैशनेट एटीट्यूड। जी हाँ, पैशन, पैशन का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं जुनून, है ना, जुनून होना चाहिए। जुनून, जुनून मतलब क्या भाई, वो कहते हैं अरे वो पागल जैसा काम करता है, अरे वो ना पागल हो गया पैसे के पीछे भाग रहा है, अरे वो ना नेटसअप में पागल हो, मतलब तो जब तक लोग आपको थोड़ा सा पागल टाइप नहीं समझते ना तो आप जुनूनी नहीं, है ना। अच्छा, पैशनेट एटीट्यूड, ये मैंने एटीट्यूड एक और एक शब्द मैंने इसको जोड़ा है। तो जो पैशनेट होता है ना वो कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, या वो उसको निगेटिव होने को टाइम ही नहीं है। जो पैशनेट होता है ना वो बहानों में कभी नहीं अटकता है, मेरे पास यही नहीं है, मेरे पास वही नहीं है, मेरा तो सीनियर ऐसा है, मेरा तो सीनियर, वो नहीं अटकता। अगर आप पैशनेट हो ना तो आपको सिर्फ आपका गोल, आपका टारगेट, आपका पर्पस दिखता है और आप जब तक उसे हासिल नहीं करते हो ना आप रुकते नहीं हो और किसी भी कारण में आप अटकते नहीं हो। तो पैशनेट एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि मैं तो करके रहूंगा, मैं तो ठान के रहूंगा कि मुझे तो बस वहां पहुंचना है। तो सेवन जी, ये क्या है, एक छोटे 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 टारगेट से ये पूरा करते करते आप आगे जाओगे तो आप नेटसर्व के करियर में ऊंचाई की तरफ, चोटी की तरफ जा सकते हो और 100% अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हो। दोस्तों, रविकांत सर मेरे सीनियर है, हमारे सबके सीनियर है, ग्रेट ट्रेनर है, उन्हीं के ट्रेनिंग से मैं तैयार हुआ हूँ, डटा हूँ। और वो कहते हैं, नेटसर्व के बाकी मेंटर्स कहते हैं, नेटसर्व का मैनेजमेंट कहता है, बस हम एक श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मतलब फेथ, है ना। एक होता है कि भाई चलो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब आपका विश्वास बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है। दूसरा है अरे बहुत अच्छा है, 100% मतलब भरोसा, है ना, हाँ ये मैंने यूज किया, हाँ मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। तो वो विश्वास का अगला स्टेप भरोसा, और भरोसे के भी ऊपर सबसे ऊंची लेवल है वो है श्रद्धा। तो हम सब लोग जो नेटसर्व के साथ है ना, 101% श्रद्धा के साथ हम लोग नेटसर्व के साथ है, आप भी श्रद्धा के साथ काम कीजिए। ये कंपनी किसी डायरेक्ट सेलर का कभी नुकसान, बुरा सपने में भी नहीं चाहेगी। यहाँ पे हर डायरेक्ट सेलर आगे कैसा बढ़े, यही इस कंपनी की सोच है। नेटसर्व को भी आगे बढ़ना है, भारत की सबसे अच्छी कंपनी तो बनना ही है, लेकिन हम लोग दुनिया में छाने वाले हैं, ऐसे कंपनी में हम आ चुके हैं। बस ये चार पी याद रखिए, इस चार पी को समझिए और अपना अचीवमेंट किसी भी हालत में पूरा कीजिए। ये कह के मैं मेरे एक शॉर्ट मैसेज को, मेरी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब की सब लोग श्रद्धा रखिए कि हम भी कोई कमी नहीं करेंगे आपको आगे बढ़ाने में, हम कोई कमी नहीं करेंगे आपके पे आउट को, आपके कमीशन को आगे बढ़ाने में। आप भी सब कोई ठान के रखिए कि ज्यादा से ज्यादा 5 मई तक फाशे का अचीवमेंट हो, और जिसका भी फाशे का अचीवमेंट हो वो 100% हो, क्रूज में भी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सुपर ट्रैक के माध्यम से आप अचीवमेंट करवाइए, ताकि उनको भी कंपनी के माध्यम से, हमारे मेंटर के माध्यम से ट्रेनिंग मिले और आपका टीम हमेशा आगे बढ़ते रहे, आपका टीम में हमेशा लोगों का पे आउट आगे बढ़ता रहे। एक खुशखबरी के साथ मैं मीटिंग की को समाप्त करता हूँ। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो जनवरी फरवरी मार्च में हमारे साथ काम किए हैं और कुछ कारणवश से उनका GST अपडेट नहीं हो पाया, अगर वो अप्रैल सेकंड साइकिल में अगर वो कोई भी अगर वो पे आउट बनाते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का पे आउट जो उनका बना हुआ है, जो उनके हाथ में नहीं आया है, सारा पे आउट कंपनी उनके खाते पे डाल देगा। उनका सिर्फ एक ही सत्य है कि उनका NFT अपडेट होना चाहिए। तो कंपनी भी आपको आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं करेगा, कंपनी भी आपके पे आउट देने में कोई कमी नहीं करेगा, कंपनी भी आपके अचीवमेंट को करवाने में कोई कमी नहीं करेगा। हमारे मेंटर भी हमारे साथ है, कंपनी भी आपके साथ है। तो ऑल द बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा फास्टैग का अचीवमेंट करवाइए, ज्यादा से ज्यादा क्रूज का अचीवमेंट करवाइए, ज्यादा से ज्यादा सुपर ट्रैक का अचीवमेंट करवाइए। आगे आपका जो भी आपका मीटिंग रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद, गुड नाइट, बेस्ट। थैंक यू रविकांत सर, थैंक यू सतीश सर। अपन मीटिंग को यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं।